मतलब यू आर 14 इयर्स ओल्ड, व्हाट डू यू राइट अबाउट? आई मीन लाइक इट वाज दैट लाइक बेसिक वो बकवास जो मेरे को आ रहा है, रो ना, मैं क्यों बो ना, हां मेरे साथ कोई लड़की को है सो ना. नहीं नहीं इतना बुरा नहीं था वैसे भी. जब ये कुछ बताएंगे तुम्हें आज तो हमें ही पता चलेगा, क्योंकि कृष्णा इतना सीक्रेटिव है कि हमें कुछ नहीं पता होता कि कृष्णा का क्या चल रहा है. नहीं नहीं यार ऐसे क्या है. कृष्णा भाई एकदम इनोसेंट ऐसे छुपी रहते क्या वो, मतलब असली जिंदगी में भी? जब कृष्णा स्टेज पे होता है गाना डालता है एकदम लोगों को ऐसे ये वो एकदम फुल एंगर रेज, और ऐसे जब ऑफ स्टेज होता है एकदम हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ आप बताओ एकदम. Let me introduce you to both of these legends, these guys, Encore and Calm, and ये इनकी सच्चाई. कैसा लग रहा है Encore? अबे ऐसा लग रहा है क्या हो गया? तू अपनी शक्ल देख भाई, ऐसा लग रहा है पाउडर. नहीं भाई, अबे पाउडर कौन होता है? कैसा सा है भाई? भाई मैंने फुल ढूंढा Calm भाई की, कोई अच्छी फोटो नहीं मिल रही थी, एक में मिली क्लैरिटी. भाई तो ऐसा लग रहा है भाई चुड़ैल देख ली बंदे ने, खून खून उतर गया भाई मुंह से, खून उतर गया भाई. अबे भाई ब्रो ये दहशत के शूट के टाइम की फोटो है जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं, उसके बाद हम साइड में जाके जल्दी से क्योंकि हमारी फोटो शूट बहुत कम होता है, वी लाइक ब्रो जल्दी निकाल लेते हैं जहाँ भी टाइम मिलता है एक दो फोटो के लिए, क्योंकि हम लोग सही आज ड्रेस्ड अप है, यहाँ पे सही है, जगह अच्छी है, लेट्स डू दिस शिट. तो इसका माथा इतना बड़ा है पूरा काम आ गया भाई. इतना बड़ा माथा है इसका, देखो पूरा काम उसके फोरहेड पे आ रहा है, फोरहेड टेढ़ा कर दो. जनता आपने नोटिस किया रफ्तार भाई ने भी ग्रीन स्क्रीन ले लिया भाई, सबको हम बना रहे स्ट्रीमर अभी, सब कॉमेडियन रैपर, जब से किसने बैट खा लिया स्ट्रीमर. सब समय की देन है, समय ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे लगवा लो, यहाँ यहाँ से मंगवा लो. अरे भाई थैंक यू भाई. पता है सबसे ट्रिप क्या हुआ, सबसे फनी हुआ कृष्णा भाई, उस दिन रफ्तार भाई मेरे को मैसेज करते हैं सेटअप क्या क्या लगता है, तो मैंने उनको बोला आपके पास हेडफोन है, और वो बोलते ही मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजा वहां से, ये मेरा स्टूडियो मैंने परसों खरीदा है. जो घर वाले बोलते थे को शर्म नहीं आती तो इतनी गालियां, मतलब फनी वे में तू गालियां देता है, मैं क्या करूं अब मैं. अरे अब मैं यहाँ पे आके थोड़ा ऐसे. समय जी और बताइए आज कैसा दिन चल रहा है आपका, सब बढ़िया? भाई मेरे घर पे भी यही हुआ, मेरे घर पे उनको पता ही ना मैं गाली देता हूँ, ठीक है. फिर जब मैं कॉमिस्तान फिनाले में बोला भोसड़े में, ठीक है ये सब बोल दिया, फिर उसके बाद जीत गया ना, पैसे मिल गए 10 लाख रुपए. फिर मम्मी पापा क्या ही बोले, बोले ठीक है ऐसे ही होता. फिर तो हाँ अगर गाली दे के पैसा मिल जाए तो भर भर के दो होता होगा, फिर ऐसे आजकल बोलना होता होगा भोसड़े में. सेम 10 लाख. आप पे एक इल्जाम लगता था बचपन में जो कि मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि आप के घर पे एग्जाम का पेपर नहीं आता था, नहीं आता था. ब्रो ब्रो बंदे मेरे को भाई तो ना भाई मैं उस भाई मैं उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में मेरे मेरी मॉम प्रिंसिपल थी ब्रो, और मेरे डैड एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रो, समझ रहे हो भाई. आपकी माँ आपको लिटरली बोल सकती थी कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ब्रो, मेरी तो अलग ही लगती थी ब्रो, समझ रहे हो. मैं जा रहा हूँ कहीं पे और स्पोर्ट्स टीचर मेरे को देखता है, मेरे को देख के ज्यादा मारेगा कि भाई तेरे को नहीं मारूंगा तो और बच्चे बोलेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल का लौंडा, ये नहीं पिटेगा. मेरी और अलग से ब्रो डंडे खाए ब्रो गांड पे, समझ रहे हो ऐसा वाला. अच्छा भाई एक एक सवाल है बहुत फनी भाई, आप मेरे को आप मेरी गांड मारो तो मैं पूछूंगा. एक बंदा पूछ रहा है क्या रैपर पैसा कमा पा रहे, मतलब इतना तो कमा पा रहे कि क्रोमा लगा पा रहे. That's a lot of homework, man. अरे ब्रो, you have no idea what I've done after this. कृष्णा भाई, क्या आप क्या आपको अभी वो flow याद है? Can you, if you don't mind? हाँ, मेरे देश का क्या हाल? ये राजनीति पैसे का खेल, जाते हैं जेल फिर बनाते हैं सरकार, जहाँ आधे से ज्यादा मंत्री हैं गुनेगार, जानना चाहते थे मेरे विचार, सिर्फ भ्रष्टाचार का बना व्यवहार, गरीबी हर पार और नफरत फैलाना इनके जीत का औजार, फिर बोले तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, ये झूठे धोखेबाजी, ये नेता है नहीं. इसके बाद भी मैंने कुछ बोला था जो तूने शायद डाला है, नहीं डाला मेरे को फिगर आउट नहीं हुआ वो, मैंने सेंसर्ड या मनमानी सेंसर्ड बदनामी. हमारे Encore भाई के बारे में क्या बताएं? Encore भाई अभी आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई कि नहीं हुई? सर मेरी हाँ हो गई. हो गई ना भाई? ये मेरी हाँ एक दो साल पहले, अभी तक एक साल पहले हो गई थी शायद. अरे भाई 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 ऐसा क्या पढ़ रहे थे आप जो अभी आप यू वेंट इनटू 7th ईयर इंजीनियरिंग राइट? हाँ नहीं 6th ईयर. हाँ 6th था. हाँ 6th में ब्रो, क्योंकि हर साल के बाद ग्रेस नंबर ज्यादा हो जाते थे. पहले साल अगर 6 नंबर की ग्रेस ही मिल रही है, उसके बाद अगर आप एक और साल फेल हो गए तो वो 9 नंबर हो जाएगी, फिर वो 12 नंबर हो जाएगी. तो हर साल मेरे को लगा था हाँ इस बार हो जाना चाहिए. ज्वाला करके एक ज्वाला गाना था उस टाइम, उसमें मेरा था 4-4 बैग लेके फिरता रहूं फिरता रहूं. तो मैं उस दिन लाइक देयर इज दिस क्या बोलते हैं रिकॉर्ड लेबल कॉल्ड आर्टिस्टान, मैं उन्हीं के साथ ये वाला गाना मेरा उनके साथ निकल रहा था.
तो मैं उन लोगों के साथ मिलता हूँ, क्या बोलते हैं आमिर भाई वगैरह के साथ, हम लाइक ठीक है मैं कि गाना निकल रहा है अगले दिन कन्फर्म, मैंने कहा सही है, नीचे उतर रहा हूँ मैं, तब तक मेरे को मैसेज आया मैं दो पेपर में और फेल हो गया, लाइक छह छह बैग लेके फिरता रहूं मैं नया गाना भाई, ये ज्यादा हो गई, मैंने कहा अब मैं री रिकॉर्ड करूं या फिर री रिकॉर्ड, मैंने कहा छोड़। व्यंजन क्या मास्टरपीस है भाई, व्यंजन इज मतलब जब मैंने पहली बार सुना व्यंजन मेरा मतलब दिमाग के वो हो गए जो मैं अभी बोल दूं क्या, बोल दे भाई क्या फर्क पड़ रहा तेरी से है भाई मेरे मतलब जब मैंने सुना ना व्यंजन पहली बार की रफ्तार भाई पीछे मुड़ गए, मैं कहा मैं तो गाली देता ही नहीं अपनी स्ट्रीम पे पूछ रहा है फिर बोल दूंगा। आप अगर कोड से मिलोगे तो आप समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ कि कोड पूरे टाइम हाइप रहता है ब्रो, वो धक्का उक्का देने लग जाता है ब्रो, इतना हिप रहता है वो मतलब। तो गोल घूम के मेरी बारी आती है, सर्कल घूम के आ रहा है और मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मेरी बारी आती है और सब लोग मेरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं ब्रो फ्री स्टाइल कर, और मैं एकदम से साइड में देखता हूँ दो बंदे चल रहे हैं, मतलब उससे पहले मेरे को कोर्ट मेरे सामने खड़े होता है, बोलता है ब्रो वेयर यू डू रैप ब्रो रैप, और मैं बोलता हूँ ओके व्हाट द फक दैट इज सम काइंड ऑफ प्रेशर ब्रो, ऐसा प्रेशर नहीं फील किया मैंने कभी जिंदगी में, मतलब ठीक है भाई पढ़ाई कर ठीक है सुना है जिंदगी में, बट रैप कर भैंचोद नहीं सुना कभी मैंने, और ठीक है भाई करता हूँ, मैंने देखा दो बंदे चल रहे हैं, मैंने उनको देख के रैप करना चालू कर दिया ब्रो, एंड लाइक बहुत बैक था उस मतलब अभी सोच लाइक माय लाइक मी दो बंदे उनको दो दो लर्न मैं इट्स अ संडे लेट्स हैव सम फन बे, ये देखो ऐसा भाई इससे तो अच्छा ही था ना भाई ब्रो, इंग्लिश में था लेजिट शिट था, अलग ही जोन में अलग ही डायमेंशन समय ब्रो, तोड़ो मैं तेरे अंडे, अरे रे रे अंडे का फंडा नाइस, बट क्या हो गया रिस्पेक्ट किया, अरे कुछ नहीं ब्रो वाइब दे रही ब्रो वाइब दे रही हां ब्रो, एज अ आई केम इन एज अ कृष्णा फैन, मैं अपने हिस्से की बात बता के थोड़ी सी कृष्णा के बारे में बता के आई विल लीव, बिकॉज़ जो जिस तरीके से तू हैंडल कर रहा है इट्स लॉन्ग ड्यू, nobody has ever spoken about krishna and this is the right time and the way you're doing it is mad respect to you bro. Are bhai thank you bhai thank you brother love kyunki yahi hota hai you need to understand the 10 years behind that man more na, than 10 aaj, 14 2006 myspace in fact hum same time se kar rahe hain and krishna ne uske beech mein bahut kuch alag tarike se kiya jo aaj kalamkar ke kaam aa raha hai. मैं बस ये बता के जाने वाला हूँ कि मैं और कृष्णा भाई कैसे मिले थे जब वो कलमकार के प्रोजेक्ट्स का पार्ट बताओ भाई ने जब साइडिंग के लिए हाँ करी थी, जब सब कुछ पहली बार मिलना हुआ था उसी दिन अंकित की सिस्टर की डिलीवरी थी और हम हॉस्पिटल के नीचे मिले थे मैं और कृष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, अ न्यू लाइफ एंड अ न्यू ब्रदरहुड स्टार्टेड दैट डे। आर यू एन इमोशनल पर्सन, मूवी देख के रोते हो क्या आप? नहीं भाई कोई मूवी नहीं देखी आपने? अरे यार क्या भाई अगर यहाँ पे कृष्णा ने हाँ बोल दिया होता पूरा परसोना खराब परसोना नहीं भाई, वो सोच रहे होंगे ये हैंडल कैसे करता है ये डिस गाने निकाल के, इतने लोग गालियां दे रहे होते हैं तो रोता होगा घर पे बैठ के कि जी कृष्णा बैठे कोने में रो रहे हैं। Will you ever collab with Smokey the Ghost? अरे हर्षित बब्बू ने क्या नाम ले लिया भाई, मैं Smokey so turn it up a little bit ridiculously killing it, thought I was सुना है आपने वो? अगर ब्रांड बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे को चाहिए सीधे मौत के साथ अलका याग्निक, मेरे को चाहिए वो एकदम आराम से गाए ब्रो, तो हम लोग हाँ नहीं वो तो ठीक है, हम लोग अलका याग्निक के साथ बैठ के उसको बोलेंगे कि हम बैठ के जाम करेंगे ब्रो उसके साथ, आप समझ रहे हो? भाई ट्रिप है ब्रो, आपको कंपनी आया बोले भाई आपको वो जैकलिन फर्नांडिस वाला जैसा गाना है वैसा सेम बनाना है आपको 1 करोड़ रुपए। नहीं ब्रो नहीं बना रहे हम ब्रो, नहीं हमने जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तब हमें लाइक ऐसा करके लाइक पॉलिटिकल पार्टी आके 20 लाख 25 लाख में गाना कर दो ऐसे करते, हमने नहीं करते थे ब्रो, हमें जरूरत थी 25 लाख रुपए की, वी नीडेड दोस 25 फकिंग लाख, हमने नहीं करा लाइक ब्रो, लाइक अगर देन व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, समझ रहे हो? एज अ पर्सन अगर हम पावर के लिए गाने बना रहे हैं, वी आर हम लोगों के लिए है, समझ रहे हो? वी आर द माउथ पीसेस ऑफ पीपल एंड वी आर अगेंस्ट वी टॉक अबाउट द पीपल इन पावर। इतना फन लगा उसने काम ने बोला हम बैठेंगे अलका याग्निक के साथ, हां बैठेंगे हम बुलाएंगे उसको भाई, है ना ये है कि भाई पता है यहां लोग बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हैं एंड यू नो दिस होल भाई लोग बोलेंगे कि अरे डिस से हुआ ये हुआ, ब्रो दैट्स ओके मैन, मेरे को कोई इशू नहीं है भाई, बोलना है तो बोल दो मेरे को, लाइक आई एम ओके के भाई मेरे को बहुत सारे लोगों ने उसके बाद डिस्कवर किया, आई एम फाइन विद दैट, यू नो
I can't change the past and I can't, you know, do anything about that. So, but if that makes people go back and see all of this and see not only me, that's why मैंने अभी United Desis mentioned किया, because बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना बहुत काम किया और वो गायब हो गए. कैसे ले जाऊं कैसे ये जो तुम्हें रहना है तेरे दिल में वाला सुर मारा ना बेबी कैसे ले जाऊं अरे शब्द की हो मौज कराऊं नहीं है एंडिंग हां मौज कैसे कराऊं मौज करा दी बेटे जैसे मौज करा बेटे मौज करा दी बेटे बेटे जैसे मौज कराऊं बेटे तेरी मौज कराऊं बेटे तेरी मौज कराऊं बेटे तेरी मौज कराऊं कर दूं ऐसे ले जाऊ बैठे तेरी मौज ले बोल ले बोल ले बेटे तेरी